मतलब लोग ना कुछ भी कहीं भी बना देते हैं यार, किसी भी चीज की हवाबाजी बना देते हैं। ये हवाबाजी तो बना रखी है फालतू की, चौड़ा रोड होगा वहां पे, खाने पीने का कोई पॉइंट होगा, है ना, कि बंदा आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले वहां पे रुक के। देख सकते हो सबसे ज्यादा बर्फ के पहाड़, मतलब बर्फ तो कहीं है नहीं लेकिन पहाड़ हमें दिख गए हैं। ट्रिप पर सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है, सामान बहुत ज्यादा लिया है हम, जबकि बहुत हमें कम लाना चाहिए था ऐसा हमें लग रहा। देखो ये गाड़ी यहाँ से पूरी फुल है, ऊपर से फुल है, ये देखो कितने बैग रखे हुए हैं। एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, ये देखो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जाने वाले सारसू मनाली से, हम दिल्ली से ले वाली ट्रिप पूरी कर रहे हैं। तो आज डे थर्ड है हमारा, दिल्ली से जब से निकले हैं आज हम लोग जा रहे हैं सारसू, और देखते हैं ये कितना टाइम हमें लगता है। हमारा फर्स्ट टाइम है मनाली टू ले, और फिर उसके बाद हमने अभी पैकिंग वगैरह कर लिया है होटल से, हमने चेक इन कर लिया है सुबह सुबह 6 बजे, नहा धो के निकल गए हैं। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, मस्त सुबह से, मतलब नहा आ सकते हो आप आराम से। हम नहाए अभी 6 बजे 5 बजे उठ के, बस अब निकलेंगे यहाँ से, वो हम आपको सब दिखाते हैं। हमने सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ कर ही ली है गाइस, अभी सारा सामान चेक करके निकलते हैं। गाड़ी में पूरी पैकिंग करनी है अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो एकदम से। सेकंड फ्लोर पे हैं, दो बैग वैग ज़्यादा हैं, एक बार तो फरमान चक्कर लगाया नीचे, एक बार रुक जाना पड़ेगा। कुल मिला के यार सुबह सुबह 6 बजे आ ही नहीं रहा है, चेकआउट कैसे मतलब बैग वगैरह रखने वाला, सुबह सुबह आ ही नहीं रहा है, तो हम खुद से ही निकल रहे हैं। आवाज़ भी थोड़ी मोटी हो गई है, जल्दी सुबह उठ गए ना सो के। तो ये अपना होटल था, होटल गोल्डन एप्पल, ये देखो इसमें, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, कल मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, ये फूल अब मुझे पता नहीं किस चीज़ का है। और ये शहतूत देखो यहाँ पे कैसे होता है, तो ये इन्हीं की ब्रांच है सामने, ये इसका है, मतलब कुल मिला के होटल बढ़िया, बस थोड़ा अंदर आना पड़ता है। ट्रिप पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है, सामान बहुत ज़्यादा लिया है हम, जबकि बहुत हमें कम लाना चाहिए था ऐसा हमें लग रहा। देखो ये गाड़ी यहाँ से पूरी फुल है, ऊपर से फुल है, ये देखो कितने बैग रखे हुए हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो पूरी गाड़ी, मतलब में स्पेस नहीं है, बहुत एडजस्ट करके रखने पड़ेंगे चीज़ें। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, ये सेट है गाड़ी रेडी होगी अपनी, तो गाड़ी लोड कर दिए। हाँ भाई निकल रहे हैं ना, ठीक है गाइस, निकल चुके हैं मनाली से। अब ये देखो टूरिस्ट प्लेस मतलब बिल्कुल खाली हो चुका है, हमने आपको कल भी बताया था। और वो अभी जा रहे हैं सीधा अटल टनल के बाद जाएंगे, और हमने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि खुद से बना के खाएं। तो अभी थोड़ा मौसम देखो बाहर का चेंज हो रहा है, वहाँ सामने देखो वहाँ का मौसम मुझे थोड़ा लग रहा है अलग, थोड़ा चेंज लग रहा है, बाकी वैसे मौसम बढ़िया है, कोई बारिश नहीं है। सुबह का टाइम है, देखो शीशे खुले हुए, ठंड भी ज़्यादा नहीं है। 6:41 हो चुके हैं, अपना सफ़र टोटल मैं बता देता हूँ आपको कितने किलोमीटर का हो चुका है। 520 किलोमीटर अपन ने गाड़ी चला चुके दिल्ली से यहाँ तक। सेक्सी लग रहे हैं ना सारे के सारे। अभी तक तो हमने रिवर साइड कैंपेनिंग नहीं की, रिवर साइड गाड़ी नहीं लगाई है अभी तक, और एक दो चीज़ें हो रहा है जो नहीं करी, वो भी सारी की सारी हम रास्ते में करेंगे। वाटरफॉल भी नहीं मिला अभी तक कोई, तो वाटरफॉल भी मिलेगा अभी हमें, सारी चीज़ें हम आपको प्रूव दिखाएंगे। आप रोड देख सकते हो पूरा कितना मजा आ रहा है रोडों में, और कुल मिला के ये है कि हम चढ़ चुके, और थोड़ा रोड ऐसा चल रहा है मसूरी की पहाड़ी चढ़ते, अभी इतना ऊपर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं अटल टनल। आपको रोड देख चुके हो, मतलब नजारे आ गए सुबह सुबह, खाली है, सबसे पहली बड़ी बात है कि टाइम से निकल के खाली है। और मैंने एक चीज देखी है यहाँ पे आके कि सूरज बहुत जल्दी निकलता है मनाली में, पहाड़ों पे आके सवेरे सवेरे जल्दी निकल जाता है, तो निकलने में भी फायदा है यार, सुबह सुबह जाम नहीं मिलेगा आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी। देखो ऐसे ही टूर तो ऐसे ही कवर होता है, देखो नींद को साइड में रखो तभी टूर कवर होता है अच्छे से। क्यों भाई? भाई ऊंचाई तो है लेकिन व्यू इतना अच्छा है ना, आप सोच नहीं सकते इतना मस्त व्यू है। ये देखो गाइस आप देख सकते हो कितनी खड़ी पहाड़ी है, और ट्रक चल रहे हैं बहुत धीरे धीरे, और ये देखो ओल्टो के टेन पहाड़ों की रानी पहाड़ों की रानी है, एक नंबर भाई। ओल्टो कोई लोड नहीं लेती है गाड़ी, कहीं चढ़ा लो, कहीं चढ़ा लो वहाँ भी। हाँ तो भाई मेरी कैमरे की सेटिंग बढ़िया है ना, वैसे भी बढ़िया है, रियल की दिखा रहा सेटिंग। तो रियल क्या करना दिखा के किसी को, लेकिन यहाँ तो शूट करने लायक है नहीं कुछ भी। देख सकते हो सबसे ज्यादा बर्फ के पहाड़, मतलब बर्फ तो कहीं है नहीं लेकिन पहाड़ हमें दिख गए हैं। आप देख सकते हो व्हाइट पहाड़ एकदम से दिख रहे हैं, सही है, मतलब यार पहाड़ दिख रहे हैं, बर्फ तो आज तक देखी नहीं, वैसे फ्रिज में भी नहीं देखी हमने तो यार, इतना शरीफ है।
देखो गाइस कुछ हो गया है यहाँ पे, आग वाग लग रही है, धुआं आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का यार, फैक्ट्री वैक्ट्री है क्या? अच्छा ये बन रहे हैं पत्थर वत्थर जो होता है ना रोड साइड लग रहे हैं, ये उस चीज़ की है, फैक्ट्री है यार। हमने सोचा कि सुबह सुबह किसकी गाड़ी मतलब क्या दिक्कत हो गई। यू देखो गाइस तुम यहाँ मजा आ गया यार, ये रोड ना टूटे हुए हैं यहाँ पे, मतलब टनल जाते हुए ये पहले रोड ऐसा है, और गाड़ी भी भाई सुबह पता है गाड़ी भी थोड़ा लगने लग गया है कि लोड पड़ रहा है गाड़ी पे, क्योंकि एकदम से पहाड़ आ जाता है, एकदम से चढ़ाई आ जाती है, तो इसमें क्या होता है गाड़ी एकदम जोर लगाना कम कर देती है। बाकी अटल टनल 10 किलोमीटर रह गया है, पाँच किलोमीटर रह गया, 10 मिनट का रास्ता रह गया है। तो गाइस अटल टनल में पहुंच चुके हैं, और देख लो आप चेकिंग कर, चलो गाइस चलते हैं अटल टनल से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग अपन, और चेकिंग वैकिंग तो कहीं होगी यार महंगी बंद है, तो अभी निकल चुका है। देखिए यहाँ ना सारे बंद कर दिए हैं, क्योंकि लोग आते थे यहाँ ना फोटो वोटो खिंचवाते रहते थे, तो सब कुछ बंद कर दिया गया है। और अटल टनल में अपन घुस चुके हैं अंदर, और साढ़े नौ किलोमीटर की टनल है। गाइस सबसे बड़ी बात पता क्या है कि यहाँ पे आप रोड क्रॉसर के पास नहीं ले सकते, जो आप पीछे चल रहा ना वो पीछे ही चलना पड़ेगा आपको, तो यहाँ की एक स्पीड लिमिट है, उससे ज्यादा भी आप चला नहीं सकते, 40 की स्पीड लिमिट है, कहीं 40 है कहीं 60 है, बीच बीच में 60 है कहीं ये 40 है मोड पे भी, तो कुल मिला के ये है यार, इतनी हवाबाजी है ना अटल टनल की, कुछ नहीं है इस पे, सच बताऊँ ना बस एक टनल है, उसमें बाहर लिखा हुआ अटल टनल, थोड़ी लंबी है और हाईएस्ट है ना ये, क्या नाम, लॉन्गेस्ट है ना सबसे, लॉन्गेस्ट है, इतनी हाई पीक पे लॉन्गेस्ट टनल है ये, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इसमें कुछ और अच्छी बात है। लोग ना हवाबाजी बना रखी है, फालतू की अटल टनल पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, हम पहुंचे रुके भी नहीं है कुछ, ऐसा हमें लगा नहीं ना रुकने वाली चीज होती तो भाई अपना रुकते भी। तो गाइस अटल टनल क्रॉस कर दी है, 12 से 15 मिनट लगे हैं ऑन स्पीड से, बिल्कुल आराम आराम से क्रॉस करने में, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ये देखो आगे दिन में आ गए, कुल मिला के ये है कि सही लगा है, अच्छा लगा है, पता नहीं लोगों ने हवाबाजी बना रखी थी टनल की, तो हवा टनल में ही है, टनल में वो है, कुछ भी कहीं भी बना देते हैं यार, किसी भी चीज की हवाबाजी बना देते हैं, ये हवाबाजी तो बना रखी है। फालतू की अटल शिशु जाना ना भाई, हमने देख रहे किधर जाना, अबे हमने जाना है, तो भाई बस यही है, मुझे मजा नहीं आया टनल में ना इतनी हवाबाजी, मुझे लगा कि बहुत चौड़ा रोड होगा वहां पे, खाने पीने का कोई पॉइंट होगा है ना, कि बंदा आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले वहाँ पे रुक के, कुछ नहीं है ऐसा, नॉर्मल टनल है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल टनल थी यार, क्या था उसमें, था कुछ मुझे नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं था, क्या तुम टनल में आए हो बंद हो गए, जैसे कि किसने उसमें बंद कर दिया हो, ठीक है बस अपने है कि यार टनल होगी, पहाड़ को काट के बना रखी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऐसा कुछ नहीं कि तुम वहाँ फोटो मतलब फोटो खड़े हो जाओ।